जय हो लता बाबा की। ठंडा एयर हुआ तो मैं भी अभी लगाई लेके टू आर्ट चैनल। कैसे आप सब लोग? तो ये पहला वीडियो होने वाला है यहाँ से आगरा से चंडीगढ़ के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो हमारा ये जो ब्लॉग होने वाला है ये है आगरा से चंडीगढ़ तक का, उसके बाद का हम और आगे डालेंगे। तो ये है मेरे साथ विशाल और ये है अमित। तो पूरे ब्लॉग में यही दोनों और एक और है अरुण। वो हम चार लोग एक साथ जा रहे हैं और हम चारों ही दिखेंगे। तो आगे का जो भी होगा रस्ते करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए और बने रहिए मेरे ब्लॉग चैनल पर एफ ये ब्लॉग के साथ। इन्हें बस इसी काम के लिए रखा है, फुल ऑन और फुल ऑन हंसी मजाक होगा, तो बने रहिए। बाय। तो मैं रेडी हो गया हूँ लद्दाख जाने के लिए और ये सब मुझे बाय करने आए। ये मेरी माँ, मेरी माँ, मेरा रब। और एक्टिंग करनी भी जरूरी है ना। वो कैसी थी वो लड़की? बाहर ले कर देती है। चलो बाय कर दो। चलो कुछ कहोगे? मैं गाइस मैं भी तैयार हूँ। चलो मैं भी जा रहा हूँ, तुम बताओ। बढ़िया तरीके से एंजॉय करना, ठीक है? गलती करेगा तो चारा पड़ेंगे भाई, क्योंकि भाई सबके जो मैं और विशाल तो है भी एक जैसे। चलो भाई चलो चलो भाई ट्रेनिंग। अभी ये 8:30 बजे थोड़ा लेट हो गई है, और लेट हो गई है ना। तो गाइस हम आ गए हैं आगरा छावनी आगरा कैंट पे और ट्रेन हमारी थी 6 बजे की। और कितने बजे की है? 3 घंटा 2.5 घंटा लेट है ना। 2 घंटे 15 मिनट लेट है। पूरी ट्रिप पे भाई यही होने वाला है। देखो ट्रेन आने वाली है 10 मिनट बाद। 10 मिनट के बाद हम बैठेंगे उसमें और फिर करेंगे फुल ऑन बकचोदी। जय हो लता बाबा की। ट्रेन में कह दी आराम से ले आई हूँ। क्या कही है? आराम से ले आई हूँ। क्यों? आराम से ट्रेन में चली हुई गाड़ी, पहली बार जा रहा है। तो गाइस हमारी ट्रेन आ चुकी है चंडीगढ़ एक्सप्रेस और अब जा रहे हैं हम अपने डिब्बे के पास। तो मिलते हैं बाबा की। जय हो। कौन सी मिली है? ऊपरवाड़ी मिली है। कोई बात नहीं, साउन और तो रहता है। मैं तो मेरे भाई को हो चला चला निखिल निखिल वो तो कहते कोई रास्ते में कुछ दे खाने को तो खाना। आराम से जाना, देख बार के कुछ कमी ना हो, कुछ भूलने जाना। चला 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 चलो निखिल सब नहीं ले जा रहा, हमें हम नहीं जा रहे, वो ले जा रहा है। हाँ उधर आ जा।
बैग सब है भाई, सब कुछ भूल गए, कछू ना भूल ठंडा यार हुआ आराम से हम लोग पहुँच रहे हैं भाई, अपनी अपनी सीट मिल गई है और भीड़ भी इतनी काफी नहीं है, ठीक ठाक मजा आ रहा है। आप ट्रेन में बैठ गए, आपको कैसा लग रहा है? वो चक्कर आना है क्यों पता नहीं ऐसा क्यों, पहली बार एसी बस में बैठा है, पहली बार ट्रेन में, सॉरी पहली बार एसी ट्रेन में बैठा हूँ, चक्कर से आ रहा है मुझे क्यों पता मालूम पड़ेगा, अभी थोड़ी देर बाद मालूम पड़ेगा क्यों। तो आपको विश्वास हो रहा है आप लद्दाख जा रहे हैं? अभी हम हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंच गए, सही 11 बज रहे हैं और हजरत निजामुद्दीन पहुंच गए हम, और चंडीगढ़ पहुंचेंगे हम सुबह के 5:30 बजे जैसा अभी टाइम बता रहे हैं, और थोड़ी सी लेट भी चल रही है 2 घंटे। तो फिर वहां से हम कहाँ जाएंगे, मनाली? वहां से सीधा मनाली जाएंगे, नहीं पहले तो हम मनाली जाएंगे बस उसके बाद, चलो पहले मनाली फिर उसके बाद। चप्पल इन भाई साहब ने ली थी, खुद के जूते पहन के आया बेटे, तो मेरे पहन के पैर चला। हे गाइस, मैं स्टार्ट करता हूँ, मतलब हम अभी अपने आगरा से निकले थे हम लद्दाख के लिए, और चंडीगढ़ जाएंगे पहले तो हम ट्रेन में बैठे हैं, तो रात में 11:06 हो रही है, हम हजरत निजामुद्दीन पहुंच गए हैं। तो यार नींद वींद तो आने से रही, अब इतने ट्रिप में आए हम सब लोग, ये है मेरे दोस्त भी हैं, मतलब सब है, अरुण है, चप्पल पहन के खड़े हैं इधर लाट साहब, और एक सो रहा है, वो तो इतना गहरी नींद में सो रहा है, क्या बताऊँ तुमको। तो मैं सोच रहा था बिठा ले सफर के मजे ले, तभी तो तेरे को सही लगेगा। अरुण भाई आपको कैसा लग रहा है? एक नंबर एक लैटरिंग लग रही है इसको, सॉरी 2 नंबर होती है वो तो। तो ये कर रहा था गुरु। चलो बाकी होगा जो बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। अब इस टाइम पर अमित कर रहे हैं और सैफ भाई आए, फैज भाई और अरुण है, विशाल भी आया है, आगे के तुमको अपडेट कर देंगे। ये थोड़ा मेरा मैंने मुंह धोख रहा है। ये जो हम टी शर्ट एक जैसी पहने, आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना, प्लीज़ कर देना भाई यार, आप लोगों की सपोर्ट से जा रहे हैं पहली बार। लाइक भी ज़्यादा कपड़ा है। तो गाइस हम चंडीगढ़ पहुँच गए, तो सफ़र कैसा रहा विशाल भाई आपका? मेरे बहुत बढ़िया रहा, सोच रहा सफ़र में नींद आई तुम्हारा? अभी तो घंटा नहीं। अमित नींद आई तुझे? सफर कैसा रहा? सफर इतना टायर्ड रहा, इतना टायर्ड टायर टायर्ड रहा यार, इधर थकीला। तेरे कैसा रहा? नींद बस आई है एसी में। पहली बार था है? फर्स्ट टाइम था इसका? एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में बहुत फर्क है। मैं तो कुछ सोच रहा था मेरे एक्सपेक्टेशन में क्या था, हमारे डब्बे में कोई ना हो हम ही होंगे, और दिए गए फैमिली 4 बच्चे, मतलब रियलिटी में कुछ अलग ही लगता है। इधर कैसे जाम लग गया? पूरी चंडीगढ़ की पब्लिक इधर से जाती है क्या? वाली चाय पे बस स्टैंड वाला है, तब ताले मुंह वाले। यहाँ कोई दुकानें उकानी नहीं है भाई, पीने की
कैसे हो गाइस? तो अभी हम चंडीगढ़ आ चुके हैं और चंडीगढ़ से जा रहे हैं हम मनाली। तो पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप आगरा से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से सीधा आप लद्दाख के लिए बस से जाना चाहते हैं तो उसके लिए कोई बस अवेलेबल नहीं है। आपको पहले चंडीगढ़ ट्रेन से आना पड़ेगा, बस से या अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो अलग चीज़ है। बस के लिए चंडीगढ़ से आपको पहले मनाली जाना पड़ेगा, मनाली से आपको लेह लद्दाख के लिए बस मिलेगी। तो अभी हम पहले मनाली जा रहे हैं, फिर उसके बाद देखते हैं वहाँ से क्या क्या मिलता है। फिर यहाँ पर अभी तो बस हमारी रुकी है कुछ खा पीने के लिए। कैसा लग रहा है? पंजी नीचे से ले आ रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो इधर इधर हिलने में। अभी तो दादा भी कैसा लग रहा है? मास्टर मैं नहीं कर रहा तेरी कसम, मोनी से नीचे जो तू बगल बगल में भी आ रहा है। दे 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 मैम भी पियो डर की माँ की। क्या हो गया अमित भाई आपको? वो परेशान हो गया कि बहन बैठे बैठे वो भी मनाली में पहुंचे भाई। कैसा लग रहा है आपको? मोदी माँ बहन कर दी है। तो गाइस अभी हम आ गए हैं मंडी के, अभी दो घंटे का सफर और रह गया मनाली का, तो मिलते हैं ठीक है। और यहाँ पे जाम लग चुका है। चंडीगढ़ से मनाली आ गए हैं अभी। अभी टाइम हो रहा है 4:15 और अभी उतरे हम। तकरीबन 10 घंटे की ये जर्नी थी हमारी और अभी हम होटल लेंगे, वहाँ पे फ्रेश होंगे, फिर उसके बाद शाम का बाज़ार दिखाते हैं कैसा है यहाँ का। और ये भाई साहब मैं ये बता रहा हूँ, मैं सही बताऊँ तो अपना पैकेज कर आना, कभी भूल के इंडिविजुअल मत आना। हाँ, इतना परेशान हो जाते हैं, इतना परेशान हम तो 16 घंटे से ज़्यादा ट्रैवल कर चुके हैं, वो भी भाई बस ही बस में बैठे बैठे इतना पागल हो गए। मैं तो मतलब बड़ा
बावड़ा हो गया मैं तो, बावड़ा सही बता रहे हैं। बेचारे को वॉमिट हो गई और ज़्यादा ही परेशान हो गए, तो इसलिए जब भी आओ आप लोग पैकेज करके ही आओ मेरे हिसाब से, या अपनी खुद की कार वार से आओ तो ज़्यादा सही है ना। हाँ बिल्कुल सही रहेगा, जिससे कि ना कि तुमको परेशानी नहीं होगी। हाँ। अपने इंडिविजुअल में तुम एक तो हमको जानकारी भी नहीं, और अगर इंडिविजुअल भी आओ तो अपने साथ ऐसा नेता मत लेके आना, इधर शक्ल दिखाओ, क्योंकि ये एक ऐसा नेता, एक जैसे नेता को मत लेके आना, क्योंकि ये अपने आगे किसी की चलने नहीं देते हैं, क्योंकि मैं बताऊँ नेता क्यों है, ये हमसे पहले 2-3 बार आ चुका है यहाँ पे और इसको सब पता है, तो अगर हम इधर कहते हैं इधर चल रहे मेरे पप्पा का, हाँ हम कहते हैं इधर चल रहे हैं, तो जी हमारे चाचा हैं, जी हमारे चाचा हैं, इससे मैंने कही 20 रुपये पानी बोतल ले ले, तो मुझसे कह रहा है खर्चा ज़्यादा हो रहा है, उनके दूध हो रहा है, उनके दूध पता नहीं क्या है, जो हमारी भाषा इनकी, उनके दूध हो रहे हैं, हवाल उल्टी भाई, तो दवाई लेनी पड़ी 200 रुपये की, तो तब नहीं भाई उनके दूध सब पागल हो जाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना यार तुम, तो गाइस चलो अभी हम होटल जा रहे हैं, होटल पहुंच के दिखाता हूँ कैसा होटल लिया हमने, और फिर मैं बोल लूँ अभी होटल पहुंच के दिखाते हैं होटल कैसा है, और उसके बाद शाम को मिलते हैं, शाम को दिखाता हूँ, ठीक है भाई। मशक्कत करने के बाद भी अच्छी जगह मिली है, नहीं अच्छा है, मौसम अच्छा हो रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। तो फाइनली गाइस हमें रूम मिल गया है, और मैं दिखाता हूँ कुछ इस तरीके का रूम है हमारा, होटल है, देखो ये रूम है, और सबसे मेन चीज़ इस रूम की आपको एक व्यू दिखाता हूँ, ये यहाँ पे तैयार होने का, ये वॉशरूम है, अभी अंदर है, ये रूम है, सामने का व्यू इधर आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है इधर रूम बहुत प्यारा है, जो बात है सबसे बेहतरीन व्यू है इधर का, कि सामने जो आपको दिख रहा होगा ना इधर, इधर इस पहाड़ पे बर्फ है, हाँ ये दिख रहा है ये, और एक छोटा सा झूला दे रखा है इसमें, इसमें ये बड़ी बुआ झूल रही है, बड़ी बड़ी बुआ झूल रही है इसमें, और इधर कुछ ऐसा नीचे कुछ इस तरीके का, सामने ऊपर पहाड़ बर्फ, सोनिया तो गाइस जल्दी से फ्रेश होते हैं, और उसके बाद आधे घंटा रेस्ट करने के बाद मार्केट में जाएंगे, मार्केट दिखाते हैं मनाली की मार्केट कैसी है, और फिर उस कल हम निकलेंगे लेह लद्दाख के लिए, पहले रोहतांग के लिए निकलेंगे, और उसके बाद पहले रोहतांग निकलेंगे ना, पहले रोहतांग निकलेंगे फिर उसके बाद लेह के लिए निकलेंगे, जैसा भी है जुड़े रहें FK ब्लॉग के साथ, और लाइक नहीं किया हो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, शो माना है कर देना, बट तो व्हाट्सअप गाइस यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी मनाली बाज़ार की स्टार्टिंग, और ये है थक गया यार मैं तो, मैं तो थक गई भूल गई मेरे पीछे का, यहाँ से स्टार्ट होता है वेलकम टू NAC मार्केट मनाली, यहाँ से धीरे धीरे हम जाएंगे, कुछ खाना वाना खाएंगे, यहाँ से कुछ खाना वाना खाएंगे फिर उसके बाद मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे, तेरे पे बकरा है क्या? तेरे पे तेरे यहाँ की कपड़ा मार्केट, यहाँ पे जितने भी गर्म कपड़े स्वेटर जैकेट सब मिल जाएगा आप लोगों को, कुछ लेना क्या यहाँ से? नहीं कुछ नहीं, क्यों तू तो पैसे नहीं लाया, तू लेगा क्या घंटा? देखिए स्वेटर जैकेट बढ़ जाएंगे
कुछ ले लेते हैं। लद्दाख जाना है कि नहीं आना, कहीं ऐसे मना कर जाना है? नहीं लद्दाख जाना है भाई, लद्दाख एक टी शर्ट, एक टी शर्ट हमारे यहाँ 300 की मिलती है, 2600 रुपये की है। अच्छा लद्दाख सस्ती है तो लद्दाख का प्लान कैंसिल करें भाई साहब, बहुत अमित को बेच के आना पड़ेगा यहाँ पर। शिवम वाले डायलॉग को मारो, पैसा बहुत, पैसा बहुत। तो ये मेरे पीछे गाइस आप मार्केट देख रहे हैं, अभी तो फिलहाल कपड़ा मार्केट ही चल रही है। ये है मेन बाजार मनाली, ये है मॉल रोड मनाली का, और सबसे मेन मार्केट यही है, सबसे मेन मार्केट यही है। क्राउड देखो, क्राउड, क्राउड का भी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा वाकई में। तो यहाँ पे हम खाना खाएंगे, रात तक रुकेंगे, उसके बाद अपने होटल जाएंगे और सुबह लद्दाख के लिए निकलेंगे। बहुत ज्यादा मजे आ रहे हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि अपन लोग पहले क्यों नहीं आए। ये बात भी है, जो जो लोग नहीं आए भाई प्लीज जरूर आए यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम आने का मौका मिलेगा, किस मौका मिलेगा? किसके साथ आएगा? सबसे अगर जिंदगी में तुमने कुछ नहीं किया तो अपनी फैमिली को जरूर लेकर आओ भाई, एक साथ में। यार क्या बात है इतना कमाने से जो अपनी फैमिली को भी ऐसी जगह नेचर, अच्छा असली नेचर तो नहीं दिखा सकते। सच बता रहा हूँ। दूसरा तो गर्लफ्रेंड है, उसमें क्या होता है? अभी लोगाई लेके आओ बंदे को, वैसा भी यही काम देते हैं। फिर विशाल फोटोग्राफर कॉन्टेक्ट करें, क्या है ब्रो? किचन के नाम से है ये, देख रहा होगा। और अभी एक भाई मिले थे जैन मलिक नाम है जिनका, यहाँ काम करते हैं वो, तो बोल रहे थे यहाँ पे सबसे बढ़िया दम बिरयानी मिलती है, तो वही ट्राई किया और वही मंगाते हैं। दम बिरयानी मंगाते हैं। हाँ भाई, बड़ी बुआ क्या मंगा? तो तू जितना मन करे वो मंगाना। हाँ भाई, क्या क्या मंगाना? तुम जब से चिकन कह रहा था मंगा, तेरा क्या मन कर रहा है? तेरा तुम तीनों जो तो आप जो खिला दो खुशी मंगा। दम वो कह रहा, दम बिरयानी कुरमा है, दम बिरयानी। तो एक कोरमा, एक दम बिरयानी आ रही है, बन रही है एफ टू ब्लॉक के साथ। कल्ला शेर दम बिरयानी आ रही है, ये है कोरमा।
आगरा से मनाली तक का सफ़र आपको कैसा लगा कमेंट में बताना, और कुछ बोलेगा कि मैं तो यही कह रहा हूँ कि घर पर बैठने से क्या, ज़िंदगी में कुछ करने से बढ़िया तो कुछ घूमो, एक्सप्लोर करो। बाकी में यार ज़िंदगी जीने का मज़ा तभी आएगा जब तुम कुछ कहीं घर से बाहर निकलोगे, या तो जियो या तो पियो। नहीं भाई, पीता हम में से चारों में से कोई नहीं है, कुछ मजाक वाली बस सफर जिंदगी में एक लाइफ एक ट्रिप तो करनी पड़े। हाँ। करनी है साल में एक तो माननी है, पर मैंने भी अभी ठान लिया कि साल में एक ट्रिप तो इंशाल्लाह। बोलेगा तू कुछ? हाँ, पैसे जमा करूँगा दुबई के लिए। तू कुछ बोलेगा? नहीं यार, नहीं पता नहीं क्यों लिया था इन जैसों को, वो परेशान हो गया। चलो गाइस, इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, कल से दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करेंगे लद्दाख का। जाते जाते तो मैं ये कहना चाहता हूँ बस, हमारे एफके ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब प्लीज, उसकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है हमें। बहुत टाइम बाद ये वीडियो बनाई है, तो जैसी भी लगी थोड़ी बहुत अच्छी बुरी कमेंट में जरूर बताना, कर देना प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। कुछ नहीं जाता किसी का, तोड़ दो अपनी स्क्रीन को उसको दबा के। मैं भी सबको लाइक करता हूँ, सब्सक्राइब करता हूँ सबके चैनल को, जो भी बोलते हैं कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। थैंक यू सो मच। अच्छी खासी ठंड हो रही है यहाँ पे, आप आएँ बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, और बाकी का जो भी होगा आगे का वो अपडेट आपको देते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू, बाय।